आज हम सीखेंगे समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। अभ्यास 12 एफ। ये एक रोम्बस का डिज़ाइन है। इसमें ये जितनी भी सारी भुजा होती हैं यानी कि चार की चारों भुजाएं ये बराबर होती हैं और आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। पिछला वीडियो मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें आप रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ जाके चेक कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएँ बराबर होती हैं। इसके जो डायगोनल्स यानी कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर सम विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो एंगल हैं ये सारे 90 डिग्री के होंगे। साथ ही साथ जो विकर्ण हैं वो बराबर हिस्से में विभाजित होंगे। जो एरिया होता है सम चतुर्भुजाकार का वो होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल। हाफ एक विकर्ण अगर मैं पी मान लूँ दूसरा क्यू मान लूँ तो एरिया हाफ पी इंटू क्यू आता है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल करते हैं, इसमें पहले विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 10 दे रखी है, तो गुणा करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फार्मूला था वो था पी क्यू बटा 2, तो पी बराबर 8, क्यू बराबर 10। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 8 × 10/2 यानी कि 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर होगा। अगला पार्ट हम लोग करते हैं सेकंड। इसमें हम लोगों को एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है, एरिया हमें 240 दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया बराबर पी क्यू बटा 2, एरिया हमें दे रखा है 240 बराबर पी यानी कि एक विकर्ण हमें दिया है 12, दूसरा नहीं दिया तो हम उसको क्यू मान लेते हैं, बटा 2, तो हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये बराबर क्यू, तो ये आ जाएगा 12 × 24 यानी 20 × 2 यानी कि जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा 40 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये लोग आप घर पे ही करेंगे। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 2। ये हमें एक सम चतुर्भुज दे रखा है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और ओडी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये ओडी हमें सिर्फ ये ओडी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हमें क्या ज्ञात करना है बीडी। ओके, ये हमें पूरा ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ये वाला रोम्बस दे रखा है ए बी सी डी और यहाँ पे ओ दिया है। हमें जो ये आधे विकर्ण की लंबाई दे रखी है ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि विकर्ण बी डी यानी कि इस पूरे की हमसे लंबाई पूछी है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो विकर्ण होते हैं वो आधे आधे डिवाइड होते हैं। अगर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो वो आधी आधी डिवाइड होते हैं, यानी कि ये वाली जो भुजा होगी वो इस भुजा के बराबर होगी। अगर ये 3 है तो ये वाली भी 3 होगी, तो ये 3 + ये 3 बराबर ये पूरा विकर्ण, यानी कि जो विकर्ण बी डी है वो आ जाएगा 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर होगा। अब हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 ए सी, यानी कि ये वाला विकर्ण हमसे पूछा है और ये जो 6 सेंटीमीटर है ये वाला तो आ ही चुका है। एरिया हम लोग को 24 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो सीधे एरिया का हम लोग पी को मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है और हमसे जो पूछा है ए सी इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, पी की वैल्यू जाएगी 6 × q/2 और एरिया हमको दे रखा है 24, ठीक है, 24 बराबर आ जाएगा 6 × q/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा q बराबर 24 × 2/6, 6 × 24 = 8 यानी कि जो हमसे इन्होंने विकर्ण पूछा है ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर होगा। जो हम लोग करेंगे सवाल नंबर 3, नीलिमा के सम चतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, यानी कि एरिया बराबर हमें 80 मीटर स्क्वायर दे रखा है।
एक विकर्ण, यानी कि एक विकर्ण जिसको हम पी मान लेते हैं, उसकी लंबाई हमें 16 मीटर दे रखी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सवाल है, एरिया का फार्मूला लगाना है। एरिया बराबर पी इंटू क्यू अपॉन टू, एरिया हमें दे रखा है 80, पी 16 मान लेते हैं, क्यू हमें निकालना है अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 80 गुणा 2 बटा 16 बराबर क्यू, 16 पंजे 80 और ये 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 मीटर जो दूसरा विकर्ण है वही आपका उत्तर है। अब हम लोग सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। आकृति 12.32 ठीक है, दी नापों के अनुसार सम चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखिए, ये ओ ए यानी कि ये इतनी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जितनी वो होगी उतनी ही ये भी होगी, ये भी 3 होगी। ये वाली हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये वाली भी 4 होगी, यानी कि जो ए सी होगी वो हो जाएगी 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर, जो बी डी है वो हो जाएगी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर हिस्से में विभाजित होते हैं। तो अब बहुत ही सरल है, अब हमें इसका एरिया निकाल लेना है। एरिया बराबर पी इंटू क्यू बटा 2, पी एक, पी इसको मान लेते हैं ए सी को, 6 मान लेते हैं बी डी को, अपॉन 2, उत्तर आ जाएगा आपका 48/2 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर होगा। सवाल नंबर 5, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, तो देखते हैं क्या। एक खेत है जिसमें सिर्फ 20 गाय इसमें घास को चर सकती हैं, ठीक है, इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर यानी कि कोई भी एक भुजा मान लेते हैं ये है 25 मीटर और एक विकर्ण 30 मीटर है। मान लो ये वाला विकर्ण है जिसको हम 30 मीटर मान लिया हमने, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इस वाले सवाल में हम देखते हैं कि ये सवाल कैसे निकलेगा। ये वाली भुजा हमें दी गई है 25 मीटर, तो हमें मालूम है कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 25 दिए तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी और ये वाली भुजा भी 25 मीटर होगी, ठीक है। अब हमें एक विकर्ण दे रखा है, एक विकर्ण 30 मीटर दे रखा है, यानी कि जो ये वाला विकर्ण है ये हमको दे रखा है 30 मीटर, यानी कि जो बी डी है वो हमको पता है कि वो 30 मीटर है। अब हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं कि एरिया हम कैसे निकालेंगे। ये हमने एक दूसरा विकर्ण ए सी बना लिया है, अब हमें ये मालूम है कि जो विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो जो विकर्ण होता है वो बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है, तो ये वाला जो एरिया है तो हमें बी डी तो दे रही है 30 मीटर और ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री का। इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम ओ मान लेते हैं, तो अगर हमें ओ डी निकालनी है तो ये कैसे आएगी, ये वो बनेगी बी डी बटे 2 यानी कि 30/2 बराबर 15 मीटर। ये पूरी भुजा हमें दे रखी है 30 मीटर और इसकी हमें सिर्फ इतना हिस्सा निकालना है, यानी कि ये हो जाएगी 30/2 यानी 15 मीटर। विकर्ण जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं, तो ओडी तो आ गई हमारी 15 मीटर और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये 25 मीटर दी गई है और हमें ओसी निकल आएगी पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कैसे लगेगी, डीसी का स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। डीसी हमें मालूम है 25 मीटर दी गई, यानी कि
25 का स्क्वायर बराबर ओडी अभी हमने निकाली है 15 मीटर, यानी तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस OC स्क्वायर। यह जाएगा आपका 625 माइनस 225 बराबर OC स्क्वायर, यह आ जाएगा 400 बराबर OC स्क्वायर। OC बराबर आएगा अंडर रूट में 400, OC बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 20 गुणा 20, OC बराबर 20 मीटर। हमने एक भुजा हमने ये जो विकर्ण निकाला है OC, वो 20 मीटर निकाला है। OC यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो होगी 20 मीटर। अब अगर OC 20 मीटर है तो AC भी निकल आएगा, दुगना हो जाएगा उसका, तो AC बराबर OC गुणा 2, 20 गुणा 2 बराबर 40 मीटर। AC हम लोगों ने 40 मीटर निकाल ली है, तो हम लोगों ने AC ये वाला विकर्ण निकाल लिया है 40 मीटर, और ये हमें पहले ही दे रखा था 30 मीटर। अब हमें एरिया निकालना पड़ेगा इस क्षेत्र का, एरिया बराबर PQ/2, यानी कि 40 × 30/2 बराबर 600 मीटर स्क्वायर, तो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। 20 गाय इस पूरे खेत में घास चरेंगी, तो एक गाय को कितना एरिया मिलेगा, 600/20, उत्तर आ जाएगा आपका 30 मीटर स्क्वायर, और यही आपका फाइनल उत्तर रहेगा।